सब्सक्राइब कीजिए सेलेस टेक्निकल को और बेल आइकन को दबाएं सबसे पहले लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो देखने के लिए। हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज सेलेस। आप सभी का मेरे सेलेस टेक्निकल में स्वागत है। तो आज की सबसे पहले टेक न्यूज की बात करें तो हाल ही में जेनफोन 4 का मॉडल नंबर एसुस K01KD जो कि स्नैपड्रैगन 660 ऑक्टाकोर 4GB रैम वाला वेरिएंट बिग बेंच के टेस्ट के कुछ रिजल्ट सामने निकल करके आए हैं, जिसमें सिंगल कोर पर 855 और मल्टी कोर पर 4127 स्कोर किए हैं। और ये एंड्रॉयड नगेट के लेटेस्ट वर्जन 7.1.1 पर रन करेगा। यहाँ पर गीक बेंच लिस्टिंग ज़्यादा कुछ शो नहीं करता, लेकिन रूमर्स की कहे तो ये दो वेरिएंट में आने वाला है। पहला वेरिएंट 5.2 इंच जिसमें स्नैपड्रैगन 630 देखने को मिलेगा, और दूसरा वाला 5.5 इंच जिसमें हमें स्नैपड्रैगन 660 देखने को मिलेगा। ये जो कि गीक बेंच के रिजल्ट जो शो कर रहा है, ये सेकेंड वेरिएंट जो कि 5.5 इंच वाला है जिसमें 660 स्नैपड्रैगन देखने को मिलेगा, और ये डिवाइस लॉन्चिंग की अनाउंसमेंट सितंबर 21 को किया जा सकता है। अगले न्यूज़ की बात करें तो मोटो G5 प्लस का नया वेरिएंट जल्द ही लॉन्च होने वाला है, जिसमें हमें दो वेरिएंट निकल कर सामने आया है। पहला मोटो G5S जो कि 5.2 इंच का होगा, और दूसरा मोटो G5S प्लस जो कि 5.5 इंच का फुल HD डिस्प्ले होगा। इसमें कहा जा रहा है कि हमें अच्छा कैमरा और टॉप एंड वेरिएंट में 64GB का रोम देखने मिलने वाला है। ईवलिक्स ने इसके कुछ डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन पोस्ट किए हैं, जिसमें हमें 13MP ड्यूल कैमरा मिलने वाला है जो कि RGB और मोनोक्रोमिक सेंसर का कॉम्बिनेशन होने वाला है, जो कि 4K वीडियो रिकॉर्डिंग तक सपोर्ट करने वाला है। और इसका फ्रंट कैमरा को अपग्रेड करके 5MP से अपग्रेड करके 8MP कर दिया है। और इसमें हमें बॉडी पर वाटर रिपेलेंट नैनो कोटिंग की प्रोटेक्शन मिलने वाली है, और इसमें हमें 625 विथ एड्रीनो 506 GPU देखने को मिलेगा, जो कि 3GB 32GB और दूसरा 4GB 64GB स्टोरेज के साथ मिलेगी, और ये एंड्रॉयड नगेट पर रन करेगा। Xiaomi ने हाल ही में नया रिकॉर्ड बनाया है। ये रिकॉर्ड 2017 के सेकंड क्वार्टर में सबसे ज़्यादा स्मार्टफोन शिपमेंट करके बनाया गया है। कंपनी ने इस समय में 23.16 मिलियन स्मार्टफोन शिप करने का दावा किया है, और इसमें लगभग 70% की इंक्रीज देखी गई है। और Xiaomi के CEO और फाउंडर ली जुन ने ये भी बताया है कि उन्होंने 2,895 पेटेंट्स ले चुके हैं, और परफॉर्मेंस वाइज इंडियन मार्केट में वे सेकंड नंबर पर आ गए हैं, और कंपनी के रेवेन्यू में 328% का इजाफा हुआ है। जैसा कि कल शाम दिल्ली NCR के इलाके में एयरटेल की सर्विस इंटरप्ट हुई थी, और कंपनी को जब इस बात का पता चला तो उसने कुछ ही समय में इसे रिस्टोर कर लिया था, जिसके कारण एयरटेल यूजर्स को वॉइस कॉल और डाटा सर्विस की दिक्कत आई थी। जो तो इसके बिहाफ में उन्होंने अपना स्टेटमेंट जारी किया था, जो कि 10:50 में रिलीज किया गया था, और यूज़र्स को कन्फर्म करते हुए कि उन्होंने अपने नेटवर्क को रिस्टोर कर लिया है, और इसके लिए उन्होंने अपने यूजर्स से माफ़ी मांगी थी। तो दोस्तों, आप सबों को मेरा ये टेक न्यूज़ पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ये बिल्कुल फ्री है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।